प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। चर्चा कर रहा हूं मैं लगातार कुंडली मिलान को लेकर के। कुंडली मिलान का जो प्रोसेस है, बिल्कुल जितना हल्के में हम लोग इसको लेते हैं इतना हल्का भी नहीं है, और जितने कठिन और जटिल के रूप में हम लोग लेते हैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें जो बारीकी से हमें देखनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं जिस पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं लेकिन वो काम की नहीं होती हैं। ऐसे ही तमाम चीजों में आपको बता रहा हूं लगातार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा अष्टकूट में जो परिहार होते हैं वह क्या क्या रहेगा, यानी कुंडली मिलान के समय वर्ण नहीं मिल रहा है, गण नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या परिहार होते हैं। और हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कुंडली मिलान के अलावा विचार करना चाहिए। मैं लगातार प्रयास करता हूं, 20-22 वर्षों के अध्ययन काल में मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते कभी इसीलिए ठुकरा दिए जाते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिल पा रही है। हमें भी पॉजिटिव, हमें अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अष्टकूट मिलान के अलावा अपनी कुंडली में यह भी देख लाना चाहिए कि आपके लिए या आपके बेटे के लिए, आपकी कन्या के लिए अमुक पक्ष का वर या वधु कैसे रहेगी। कुछ खास ऐसे लक्षणों पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में आप विस्तार से इनको सब देख सकते हैं। कैसे आपके लिए आपका पार्टनर लकी है या अनलक्की है, आप इसको भी देख सकते हैं। कुछ खास लक्षण जो पुरुषों के अंदर विकृत होते हैं, या कुछ ऐसे लक्षण जो अपने आने वाले बहू के अंदर हमें देखने चाहिए, क्या क्या ऐसे लक्षण हैं, उन पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा गण मिलान को लेकर। अष्टकूट मिलान में गण जब हम मिलाते हैं तो गण कैसे हम मिलाएं, क्या इसका परिहार होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण, तीन गण होते हैं। इसमें यदि समान गुण हो, मान लो कि दोनों का मनुष्य गण है या दोनों का राक्षस गण है या दोनों का देवगण है, तो श्रेष्ठ है। यानी दोनों वर और कन्या का एक ही गण अगर होता है तो श्रेष्ठ है। यदि देव और मनुष्य होता है तो मध्यम। लेकिन यदि आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, मान लो कि देवगण का लड़का है और राक्षस गण की कन्या है, तो इनका आपसी मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा। देव और राक्षस जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं, या मनुष्य और राक्षस एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी लॉजिक पर, इसी आधार पर जो है, आप ये मान के चलें कि हम गुण का इसमें विचार, गण का विचार करते हैं। गण दोष का सीधा सीधा अगर परिहार की बात करें, कई बार क्या होता है कि सब चीजें, देखो मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहले आप गुण गण तो मिलाएं बाद में, पहले कुंडली का मिलान करें। और हां, यदि आप अपनी कुंडली को बेहतर रूप से, अपनी कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली अध्ययन आप करवाना चाहते हैं, तो लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज मैं आपको जो यहां पर बता रहा हूं, इसमें परस्पर मैत्री यदि है राशि में तो पॉसिबल है ये चल जाएगा, या एक राशि है या नक्षत्र एक है तो भी जो है, या नक्षत्र एक हो राशि अलग रहो तब भी ये परिहार हो जाता है। तो परिहार नवांश मैत्री पर भी यहां पर परिहार देखा जा सकता है। तो परिहार के भी कई गुंजाइश बनती हैं, लेकिन वह बहुत जरूरी नहीं है। सबसे पहले जरूरी, अत्यंत आवश्यक क्या है कि होने वाले वरवधु का दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा, इसके लिए आपको कुंडली सबसे पहले मिलाए, यानी ग्रह मैत्री, आपकी कौन से ग्रह पंचम में क्या स्थिति है, सप्तम में क्या स्थितियां हैं, ससुर के लिए कैसे रहेगी और सास के लिए कैसे रहेगी, देवर जेठ आदि के साथ में कैसे संबंध होंगे, होने वाले वर या वधु का चारित्रिक कैसा सिस्टम है, तो ये सारी चीजें जो अत्यंत आवश्यक है, संतान के लिए कैसे रहेगा, इन पर पहले विचार होना चाहिए। तो प्रिय बंधु, आप सभी ऐसी आध्यात्मिक चर्चा, ज्योतिष चर्चा के साथ बने रहें हमारे साथ में, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी चर्चा प्राप्त हो। धन्यवाद।